नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णा पारदे, आपका वीडियो कोच, स्पोकन इंग्लिश और पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनर, पुनः आप सभी के लिए इस इंग्लिश लर्निंग वीडियो सीरीज में एक बेहतरीन वीडियो एडिट करने जा रहा हूँ। और मैं श्योर हूँ, मैं निश्चित हूँ कि आप इस वीडियो के माध्यम से अपने कम्युनिकेशन स्किल को, आप अपनी इंग्लिश लैंग्वेज को एक नया डायरेक्शन दोगे। और आप सभी से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि आप इस टॉपिक को पढ़ोगे तो आप मुझसे एक छोटा सा कमिटमेंट कर दीजिए कि आप इस पॉइंट को या जो भी ग्रामर आज हम लर्न करने वाले हैं, इसको अपने डे टू डे स्पोकन में आज से ही यूज करना शुरू कर दोगे। क्योंकि सामान्य बोलचाल की भाषा में इस टॉपिक का बहुत ही महत्वपूर्ण यूज है। तो फटाफट रेडी हो जाइए आप अपने नोटबुक और पेन के साथ, ताकि आज मैं जो वीडियो आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ आप उसको थरोली अंडरस्टैंड कर सको। और एक छोटा सा कमिटमेंट और कि इस वीडियो को आपको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना है, ताकि मैं आपको वो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करा सकूं जिनके लिए इस वीडियो को बनाया गया। तो आइए एक नजर डालते हैं कि आज हम इस वीडियो के माध्यम से क्या क्या चीज लर्न करने वाले हैं। सो द वेरी फर्स्ट थिंग कि इस टॉपिक, आज का जो हमारा पूरा वीडियो है, दैट इज बेस्ड ऑन कंटिन्यूअस टेंस। और आज हम कंटिन्यूअस टेंस पार्ट 3 की बात करेंगे। अभी इस सीरीज में मैं आपको प्रीवियसली दो वीडियोस दे चुका हूँ, जिसमें सबसे पहले वीडियो में हमने कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है, उसका किस तरह से इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है, उसकी बात की। दूसरे वीडियो में मैंने आपको बताया कि ऐसी कौन सी वर्ब्स है जिनका यूज हम कंटिन्यूअस टेंस में नहीं करते हैं। और आज हम शेयर करेंगे कि किस तरह से डिफरेंट वेराइटी ऑफ सेंटेंसेस हम कंटिन्यूअस टेंस की मदद से बना सकते हैं। और आपको मैं एक फैक्ट बता दूं कि कंटिन्यूअस टेंस तो सिर्फ नाम है, परंतु इसका यूज प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर दोनों कंडीशन में होता है। आज किस तरह से ये डिफरेंट तरह से यूज होगा हमारे कम्युनिकेशन में, हम लर्न करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। आज हम अंडरस्टैंड करेंगे कि व्हाट इज द रियल यूज ऑफ गोइंग टू इन आवर सेंटेंसेस इन आवर कम्युनिकेशन। गोइंग ऑन क्या है, गोइंग ऑन का यूज किस तरह से हमारे सेंटेंसेस में किया जाता है। आज हम बात करेंगे रनिंग की, ओके। और आज हम ये भी देखेंगे, बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चंस आते हैं कि सर अगर गोइंग टू का यूज हम फ्यूचर के लिए करते हैं तो विल का यूज क्यों किया जाता है। सो आज हम उस डिफरेंस की भी बात करेंगे। इसलिए देखिए, आज हम इस वीडियो के माध्यम से 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं, इसलिए आपको एक भी मिनट के लिए इधर से उधर नहीं होना है, कंटिन्यूअस आपको इस वीडियो को वॉच करना है। और आज मैं आपको ये भी बताऊंगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन विल एंड गोइंग टू, किस तरह से ये हमारे डे टू डे कम्युनिकेशन में यूज होता है। सो आइए हम द वेरी फर्स्ट कॉन्सेप्ट दैट आई वुड लाइक टू डिस्क्राइब, दैट इज गोइंग टू। गोइंग टू प्लस वी विल, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूअस टेंस, ओके। और इसका यूज प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस तीनों तरह के टेंसेस में होता है। अच्छा, हम ये अंडरस्टैंड करते हैं कि गोइंग टू प्लस वी विल का यूज किस तरह से किया जाता है। सो द थ्योरी हैज बीन रिटन, बहुत क्लियरली यहाँ पर मेंशन किया है कि ऐसे हिंदी वाक्य जिनमें वर्ब प्लस जा रहा है, जा रही हूं और जा रहे कह जाता है, ओके। आ जाए एवं किसी फ्यूचर प्लान की बात हो, देखिए प्रेजेंट में यदि हम फ्यूचर प्लान की बात कर रहे हो तो उस कंडीशन में हम विल से का यूज ना करके हम गोइंग टू प्लस वी विल का यूज करते हैं। और इसका फॉर्मुलेशन जो होता है, दैट इज सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू बी। वर्ब टू बी मींस हियर वी कैन अप्लाई इज एम आर, वाज वर, विल बी, शैल बी, कुछ भी लगा देंगे। देन वी कैन गो फॉर गोइंग टू, देन वी विल, देन वी गो फॉर ऑब्जेक्ट। सो लेट्स कम, वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक विद सम एग्जांपल। देखिए अभी मैंने प्रीवियसली क्या यूज किया, वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक विद फ्यू एग्जांपल्स। सो गोइंग टू का यूज हुआ है, नहीं हुआ? तो आइए द वेरी फर्स्ट थिंग दैट ये सेंटेंस हमने लिया है कि मैं एक नया घर खरीदने जा रहा हूँ। देखिए घर खरीदना एक ऐसी प्रोसेस नहीं होती है कि आप गए बाजार में, आपने घर देखा और आपने उसको पैसे दिए और तुरंत खरीद लिया। इट रिक्वायर्स अ प्लानिंग। सो कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके एग्जीक्यूट होने में, जिनकी प्लानिंग करने में और जिनकी फिनिश होने में थोड़ा समय लगता है। इट मींस कि वो कंटिन्यू में होता है, मतलब कि एक ऐसी प्रोसेस जो बहुत लंबे समय तक चलती है। सो उन कंडीशंस को हम गोइंग टू के साथ डिस्क्राइब करते हैं। सो दैट वी हैव सीन कि मैं एक नया घर खरीदने जा रहा हूँ। So the translation is there कि I'm going to buy a new house.
आई एम गोइंग टू बाय अ न्यू हाउस. ओके, अगर आपको यही बोल रहे हैं कि मैं अपना पुराना घर बेचने जा रहा हूँ, सो यू विल से दैट आई एम गोइंग टू सेल माय ओल्ड होम. द नेक्स्ट एग्जांपल इट विल क्लेरिफाई यू मोर, यू कैन अंडरस्टैंड कि वह अपनी पुरानी कार बेचने जा रहे हैं. देखिए ये स्टेटमेंट हम जनरल वे में ऐसे भी यूज करते हैं कि वह अपनी कार बेच रहे हैं, तो अब आपके दिमाग में ये फोटो नहीं आना चाहिए कि वो शोरूम में खड़ा है और अपनी कार बेच रहा है, क्योंकि ये ऐसी चीज़ नहीं है कि आलू बेच रहा है पटेटो बेच रहा है, क्योंकि ये डायरेक्ट एक्शन हो जाएगी. परंतु इन एक्शंस में समय की जरूरत होगी. सो वह अपनी पुरानी कार बेचने जा रहे हैं, ही इज गोइंग टू सेल हिज ओल्ड कार. ही इज गोइंग टू सेल हिज ओल्ड कार. वे लोग अपना बिजनेस बंद करने जा रहे हैं. वे लोग अपना बिजनेस बंद करने जा रहे हैं. मीन्स दे, देखिए यहाँ पर थे की बात नहीं है ना, वे लोग अपना पुराना बिजनेस बंद करने जा रहे थे. होप सो कि आपके किसी फ्रेंड का आपसे डिस्कशन हुआ कि यार हमारा जो ट्रेडिशनल बिजनेस चल रहा है हम उसको बंद करेंगे और वहाँ पर नया बिजनेस स्टार्ट करेंगे. जब आप उससे दो महीने बाद मिले तो उनका तो बिजनेस चल रहा है, तो क्वेश्चन आता है कि वे लोग अपना बिजनेस बंद करने जा रहे थे. यू विल से दैट दे वर गोइंग टू क्लोज देयर ओल्ड बिजनेस. दे वर गोइंग टू क्लोज देयर ओल्ड बिजनेस. ओके, मैं 1 जनवरी से एक नया बिजनेस स्टार्ट करने जा रहा हूँ. ओके, इट मीन्स अगेन अ प्लानिंग. 1 जनवरी आने को समय है, परंतु मैं एक बैच स्टार्ट करने जा रहा हूँ. सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू बैच फ्रॉम 1st जन. आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू बैच फ्रॉम 1st जन. ओके, वन मोर एग्जांपल दैट आई वुड लाइक टू शेयर विद यू कि वे लोग अपनी नई ब्रांचेस खोलने जा रहे हैं. इट मीन्स समबडी इज डूइंग एनी बिजनेस और वो अपने बिजनेस की और ब्रांचेस खोलने जा रहे हैं. सो व्हाट यू विल से हियर कि दे आर गोइंग टू ओपन देयर न्यू ब्रांचेस. दे आर गोइंग टू ओपन देयर न्यू ब्रांचेस. सो अंडरस्टूड कि ऐसी कोई एक्शन जो कि नियर फ्यूचर में घटित होगी, मतलब मेरे बोलते समय वो चीज ऑन प्लानिंग है, ऑन प्रोसेस है, ऑन प्रोग्रेस है. इट मीन्स मेंटली, बट यू आर नॉट डूइंग एनी फिजिकल एक्टिविटी फॉर इट. इट मीन्स मानसिक रूप से आप उसके लिए तैयार हो, बट फिजिकली वो एग्जीक्यूट नहीं हो रही है. सो उस सिचुएशन में हम गोइंग टू का यूज करेंगे. सपोज यू आर सेइंग कि दे कि 10 मिनट बाद मैं इस टॉपिक को फिनिश करने जा रहा हूँ. सो आई एम गोइंग टू फिनिश दिस टॉपिक आफ्टर 10 मिनट. ओके, मैं एक नई बुक लॉन्च करने जा रहा हूँ. आई एम गोइंग टू लॉन्च अ न्यू बुक. सपोज आई एम गोइंग टू डिसकंटिन्यू माई ओल्ड बुक. मैं अपनी ओल्ड बुक को मार्केट से डिसकंटिन्यू करने जा रहा हूँ. तो इस तरह से अगर हमें कभी भी अपने हिंदी स्टेटमेंट में जा रहा हूँ की बात करनी हो, इट मीन्स आफ्टर एक्शन यदि जा रहा हूँ, जा रहा है आदि शब्द आते हैं, तो हमें गोइंग टू का यूज करना. अब देखिए आप इससे नेगेटिव इंट्रोगेटिव हर तरह के सेंटेंसेस बना सकते हो. जैसे मुझे कहना है कि मैं एक नया बैच स्टार्ट करने नहीं जा रहा हूँ. आई एम नॉट गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू बैच. ओके, क्या आप एक इंग्लिश अकेडमी ज्वाइन करने जा रहे हो? आर यू गोइंग टू ज्वाइन अ न्यू इंग्लिश अकेडमी? सो बाई दैट वे यू कैन टॉक अबाउट. ठीक है, सो होप सो आपको ये गोइंग टू का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा. अब हम बात करते हैं, देयर इज वन मोर एंड द वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ स्पोकन इंग्लिश, दैट इज गोइंग ऑन. सो हाउ दिस गोइंग ऑन विल बी यूज्ड इन आवर सेंटेंस. तो पहले हम इसकी थ्योरी को क्लियर करेंगे सो दैट देयर विल नॉट बी एनी डाउट टू अस. लेट्स सी कि ऐसे हिंदी वाक्य जिनके अंत में चल रहा है आता है, ऐसे हिंदी वाक्य जिनके अंत में चल रहा है आता है, उस हिंदी सेंटेंस का ट्रांसलेशन करने के लिए हम गोइंग ऑन का यूज करते हैं. देखिए ये भी एक कंटिन्यूअस का कॉन्सेप्ट है, क्योंकि गोइंग ऑन इट मीन्स गो प्लस बी आई एन जी का तो यूज हो ही रहेगा. ओके, सो लेट्स सी विद द एग्जांपल कि हम अपने किसी फ्रेंड से, किसी रिलेटिव से पूछते हैं कि क्या चल रहा है. सो यू कैन आस्क इन सच अ वे, व्हाट इज गोइंग ऑन. ओके, अगर उसका कुछ नहीं चल रहा है तो वो बोलेगा ना नथिंग इज गोइंग ऑन. ओके, सपोज वो कोई बुक पढ़ रहा है तो उस समय वो ऐसा नहीं बोलेगा कि आई एम गोइंग ऑन विद अ बुक. नो, आई एम रीडिंग अ बुक. इट मींस हमारा इंटेंशन क्या होता है कि क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, क्यों चल रहा है. ओके, विद सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस वी यूज गोइंग ऑन. यू कैन सी द नेक्स्ट एग्जांपल कि आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है. हाउ इज योर स्टडीज गोइंग ऑन. आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है, हाउ इज योर स्टडीज गोइंग ऑन. ओके, आपको कहना है कि मेरी पढ़ाई एकदम मस्त चल रही है, माई स्टडीज आर गोइंग सुपर. ओके, अब देखिए स्टडीज आर का यूज क्यों किया,
तो भाई आप पढ़ाई कर रहे हो सकता है कि आप उसके साथ साइमल्टेनियसली कोई और कोर्स कर रहे हो, इट मींस कॉलेज की पढ़ाई, आपकी इंग्लिश कोचिंग की पढ़ाई, आपकी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की पढ़ाई, बहुत सारी तैयारी हम करते हैं, दैट्स व्हाई यू कैन से स्टडीज आर ऑन। ओके, सपोज आई एम सेइंग यू कि आपके भाई का बिजनेस कैसा चल रहा है, सपोज योर ब्रदर हैज स्टार्टेड न्यू बिजनेस एंड आई वुड लाइक टू नो दैट हाउ इज योर ब्रदर्स बिजनेस गोइंग ऑन। ओके, सो यू कैन से दैट कि हिज बिजनेस इज गोइंग ऑन सुपर, उसका बिजनेस बहुत ही बढ़िया चल रहा है, बहुत धमाकेदार चल रहा है, तो इस कंडीशन में हम इसका यूज करेंगे गोइंग ऑन का। ओके, कई बार हमें पूछना होता है कि वहां क्या चल रहा है, व्हाट इज गोइंग ऑन देयर। ओके, सो आप वहां पर उस वर्तमान परिस्थिति में जो चल रहा होगा आपको उसका रिप्लाई करना है, वहां कुछ नहीं चल रहा है तो यू कैन से दैट कि नथिंग इज गोइंग ऑन देयर। ओके, यू कैन से कि प्लेयर्स आर प्लेइंग देयर, डांसर्स आर डांसिंग देयर, ओके वी आर वेटिंग फॉर चीफ गेस्ट, जो भी चल रहा होगा दैट कंडीशन यू विल हैव टू से। ओके, बट अगर आपको पूछना है कि आपका नया मोबाइल कैसा चल रहा है, सो इस कंडीशन में आप गोइंग ऑन का यूज नहीं करोगे। गोइंग ऑन का यूज हमेशा किसी स्थिति को या परिस्थिति को पता करने के लिए किया जाता है। जैसे एक एग्जांपल को और थोड़ा सा हम एनालिसिस करते हैं कि हाउ इज योर स्टडीज गोइंग ऑन। सो माई स्टडीज आर गोइंग सुपर, ओके नाउडेज आई एम बिजी विथ माई प्रिपरेशन, nowadays I am busy with my examination, कुछ भी आप जो भी जवाब दे रहे हैं इस तरह से आप जवाब दे सकते हो। होप सो आपको गोइंग ऑन समझ में है। ओके, आपके भाई का क्या चल रहा है, what is your brother's going on, ओके आजकल आपकी मम्मी का क्या चल रहा है, what is your mother's going on nowadays, ओके आपके पापा का जॉब कैसा चल रहा है, how is your father's job going on, ओके आपके अंकल का बिजनेस कैसा चल रहा है, how is your uncle's business going on। सो by that way विद द हेल्प ऑफ गोइंग ऑन आप हाल चाल लेने के लिए, अगर सिंपल कंक्लूजन करें कि गोइंग ऑन का यूज कैसे होता है, तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी हमें किसी चीज का हाल चाल लेना हो, सो इन दैट कंडीशन यू कैन यूज गोइंग ऑन। ओके, आज के टॉपिक का थर्ड और वेरी मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज रनिंग, अभी हम बात करेंगे रनिंग की। देखिए इन दोनों चीजों में तो हमने बात की रहा है नहीं है रहे हैं के, ठीक है, ये कुछ थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक है, मतलब हम रनिंग के माध्यम से कुछ ऐसी चीजों की बात करते हैं, कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करते पहले कि ऐसे हिंदी वाक्य जिनके अंत में चला रहा है आता है। देखिए एक में चल रहा आता है, एक में जा रहा आता है, परंतु रनिंग का यूज होता है किसके लिए, रनिंग का यूज हम करते हैं चला रहा है। ओके, एग्जाम्पल पहले हिंदी में अंडरस्टैंड करते हैं फिर हम इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन देखेंगे। जैसे सपोज आपको बोलना है कि मैं एक इंग्लिश इंस्टीट्यूट चला रहा हूँ, मैं एक इंग्लिश इंस्टीट्यूट चला रहा हूँ, तो देखिए ये कोई व्हीकल नहीं है जिस पर बैठ के मैं चलाऊंगा, ठीक है, ये तो एक प्रोसेस है, इट मीन्स इसके लिए एक हमने सिस्टम बना दिया है और ये सिस्टम फॉलो हो रहा है। तो हम कहते हैं मेरा भाई एक स्कूल चला रहा है, ओके मेरे पापा एक शॉप चला रहे हैं, तो ये क्या है, शॉप को कैसे चलाते हैं बताइए, सो देयर इज नो प्रोसेस। सो कुछ ऐसी चीजें जो कि ऑटो मोड पर चलती है, मतलब स्टेबल पोजीशन में चलती है, ग्रोइंग होगी, डिक्रीजिंग होगी, इंक्रीजिंग होगी, व्हाटएवर इट मे बी, बट इनकी स्टेबिलिटी होती है, ये मूव नहीं करते, ठीक है। सो ऐसी परिस्थितियों में हम रनिंग का यूज करते हैं, कॉन्सेप्ट विद द एग्जांपल यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इट थॉरली, यू कैन सी द एग्जांपल्स। एग्जांपल्स देखिए, द फर्स्ट एग्जांपल आई एम गोइंग टू टॉक कि मैं एक अंग्रेजी संस्था चला रहा हूँ, मैं एक अंग्रेजी संस्था चला रहा हूँ, आई एम रनिंग एन इंग्लिश इंस्टीट्यूट, आई एम रनिंग एन इंग्लिश इंस्टीट्यूट। परंतु आपको यदि पूछना है कि सर आपका इंग्लिश इंस्टीट्यूट कैसा चल रहा है, तो आप किस पर स्विच करोगे, गोइंग ऑन पर। सो यू विल आस्क दैट हाउ इज योर इंग्लिश इंस्टीट्यूट गोइंग ऑन, वहां पर रनिंग का यूज होगा क्या, नहीं। सो दिस इज ओनली द बेसिक डिफरेंस बिटवीन रनिंग एंड गोइंग ऑन, इट मीन्स जब कोई चीज ऑटो मोड पर चल रही होती है और उसको हमें सिर्फ ऑपरेट करना होता है, ऑपरेट इट मीन्स इट इज नॉट मशीनरी, इट इज काइंड ऑफ मैनेजमेंट, उसको मैनेज करने की जरूरत होती है, ओके तब हम किसका यूज करते हैं, रनिंग का। वन मोर एग्जाम्पल आई एम गोइंग टू शेयर विद यू कि मेरे दादाजी इस दुकान को 1970 से चला रहे, ओके सो माई ग्रैंड फादर रहे थे, देखिए मेरे दादाजी इस दुकान को 1970 से चला रहे थे,
So my grandfather was running this shop since 1970. My grandfather was running this shop since 1970. One more example I am going to tell you. भारत में कई अवैध व्यापार चल रहे हैं. भारत में कई अवैध व्यापार चल रहे हैं. So there are many illegal business running in India. There are many illegal business running in India. One more example I would like to share with you. कि भारत सरकार पल्स पोलियो अभियान चला रही है. भारत सरकार पल्स पोलियो अभियान चला रही है. That is Indian government is running पल्स पोलियो कैंपेन. Indian government is running पल्स पोलियो कैंपेन. So hope so running का यूज आपको क्लियर हो गया. ठीक है, आपको बोलना है कि मेरा भाई एक कपड़े की दुकान चला रहा है. My brother is running a cloth shop. My brother is running a garment shop. Okay, so by this way, ऐसी चीज जिसको मैनेज करना हो वहां पर हम going on, going to इन सारी चीजों का यूज ना करते हुए हम वहां पर रनिंग का यूज करेंगे. तो होप सो आपको मैं तीन कॉन्सेप्ट क्लियर कराने में एबल रहा हूं. और जैसा हमने बात की थी कि आप अपना एक नया टॉपिक भी इसमें स्टार्ट करोगे, और हमने जैसा स्टार्टिंग में बताया था कि मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से डिफरेंस बिटवीन विल एंड गोइंग टू क्लियर कराऊंगा. देखिए, हमारे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने कई बार ये सवाल किया है कि सर अगर गोइंग टू का यूज फ्यूचरिस्टिक एक्शन के लिए करना है तो फिर हम विल का यूज किस लिए करेंगे. सो माई डियर फ्रेंड्स, यही डिफरेंस हमको क्लियर करना है. सो इन एग्जाम्पल्स के माध्यम से हम चीजों को अंडरस्टैंड करेंगे. द वेरी फर्स्ट थिंग, यदि मैं विल की बात करता हूं, सो इमीडिएट डिसीजन, इट मींस व्हेन अ स्पीकर इज स्पीकिंग समथिंग, व्हेन अ स्पीकर इज स्पीकिंग समथिंग और सडन उसके दिमाग में कोई प्लान आ जाए, इमीडिएट डिसीजन. कि सपोज वेटर ने मुझसे पूछा कि क्या खाओगे, तो मैंने बोला कि मैं ये खाऊंगा. सो इट मींस इट्स इमीडिएट डिसीजन. मैं कोई प्लानिंग करके आया हूं इसके लिए? नो. तो जब भी किसी इंस्टेंट डिसीजन की या इमीडिएट डिसीजन की बात करनी हो तो हम विल का यूज करेंगे. एग्जांपल देखिए, दैट विल बी क्लियर. कि मैं एक कप चाय लूंगा, मैं कप चाय लूंगा. सो आई विल टेक अ कप ऑफ टी, आई विल टेक अ कप ऑफ टी, इट्स अ इमीडिएट डिसीजन. ओके, परंतु यहीं पर मैं गोइंग ऑन की यदि बात करूं, सो गोइंग ऑन का जो यूज होता है प्रियर प्लान्स के लिए करते हैं. मतलब हम यहाँ पर इमीडिएट डिसीजन नहीं लेते, हम गोइंग ऑन का यूज प्रियर प्लानिंग के लिए करते हैं. प्रीवियसली मैंने आपको एग्जांपल भी बताया था कि भाई आई एम गोइंग टू बाय अ न्यू हाउस, मतलब कि एक ऐसी प्लानिंग जिसके लिए मैंने पैसे इकट्ठा किए हो, जिसके लिए मैं पहले से सोच रखा हूं, मैंने मन बनाया है और अब मैं उस काम को एग्जीक्यूट कर रहा हूं. सो उस कंडीशन में हम इसका यूज करेंगे गोइंग ऑन. सो यू कैन सी विद द एग्जांपल कि आई एम गोइंग टू विजिट माय फ्रेंड्स ऑन संडे, मैं रविवार को अपने खेत में घूमने जा रहा हूँ. ओके, मैं अपने खेत को देखने जा रहा हूँ. सो एक ऐसी प्लानिंग जो हम आज कर रहे हैं किसके लिए, संडे के लिए. ठीक है, सो इन दैट कंडीशन वी कैन गो फॉर गोइंग टू. सो होप सो हमें क्लियर हुआ होगा फर्स्ट कि विल का यूज हम इमीडिएट डिसीजंस के लिए करते हैं और गोइंग टू का यूज हम प्रियर प्लान्स के लिए करते हैं. ठीक है, आई एम गोइंग टू टेल यू द सेकेंड एग्जाम्पल. ओके, यू कैन सी हियर कि प्रिडिक्शन विदाउट एविडेंस, प्रिडिक्शन विदाउट एविडेंस, इट मींस कि जब भी कोई स्पीकर किसी ऐसे स्टेटमेंट को बोलता है जिसके लिए फ्यूचरिस्टिक उसके पास कोई भी एविडेंस नहीं होता है, प्रमाण नहीं होते हैं, कोई एक्सपीरियंस नहीं होता है, कोई अनुभव नहीं होता है, कुछ सूत्र नहीं होते, परंतु इमीडिएट उसके माइंड में आता है, वो उसको एक्सप्रेस कर देता है. सो ऐसी एक्शंस के लिए हम किसका यूज करेंगे, विल का. यू कैन सी विद द एग्जांपल कि सपोज आई एम वॉचिंग अ मैच एंड इंडिया एंड पाकिस्तान इज प्लेइंग द मैच और मुझे ऐसा लग रहा है कि इंडिया मैच जीतेगी. सो कई बार इसमें क्या होता है कि मेरा इंटरनल जो स्वार्थ है वो भी बाहर आता है. सो ऐसे एक्शंस के लिए हम विल का यूज करेंगे, जैसे आई थिंक इंडिया विल विन, मुझे लगता है कि भारत मैच जीत जाएगा. सो इट मीन्स इसके लिए मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है, बस जस्ट फॉर सेइंग दैट आई एम सेइंग. परंतु जब भी हम गोइंग ऑन का यूज करते हैं, सो वी हैव प्रिडिक्शन विद एविडेंस, इट मीन्स हमारे पास कोई प्रमाण होता है, कुछ ऐसा हमें क्लू मिलता है, उसके माध्यम से हम उस चीज को करते हैं.
जैसे सपोज मैं क्लास में आया और आज मुझे गोइंग ऑन और गोइंग टू का यूज बनाना है, सो इट इज प्रियर प्लानिंग. इट मीन्स आई हैव प्लान्ड इट अर्लियर दैट व्हाट आई एम गोइंग टू डिलीवर इन द क्लास टुडे. सो फॉर दैट आई विल से दैट आई एम गोइंग टू टीच यू गोइंग द यूज ऑफ गोइंग ऑन एंड गोइंग टू. विद द एग्जाम्पल यू कैन सी कि लुक एट द क्लाउड्स, लुक एट द क्लाउड्स, इट इज गोइंग टू रेन. हमें बादल दिख रहे हैं सो डेफिनेटली बारिश होने वाली है, ऐसा मेरा प्रोजेक्शन कहता है. परंतु इसके लिए इविडेंस अवेलेबल है ना? सो विल में हमारे पास इविडेंस अवेलेबल नहीं होता है, परंतु गोइंग टू में हमारे पास इविडेंस अवेलेबल होता है. एक और एग्जांपल की मैं बात करूंगा कि तीसरी सिचुएशन जिससे हम डिफरेंशिएट करेंगे कि विल का यूज करना है या हमें गोइंग टू का यूज करना है. ओके, सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट कि एक्सप्रेस अ फ्यूचर फैक्ट, मतलब कोई ऐसा फैक्ट जो कि फ्यूचर में रियली एग्जीक्यूट होगा. सो उस कंडीशन में हम किसका यूज करेंगे, विल. जैसे सूरज निकला है तो डूबेगा कि नहीं डूबेगा, सो दिस इज व्हाट, दिस इज अ फैक्ट. ओके, सपोज वह आया है तो वह जाएगा, सो ही विल गो इन द इवनिंग. वह आया है तो वह जाएगा ना शाम को, सो ही विल गो इन द इवनिंग. यहां पर मैं गोइंग टू का यूज नहीं कर सकता. ओके, यू कैन सी विद द एग्जांपल कि द सन विल सेट आफ्टर सम टाइम, थोड़ी देर में सूरज डूब जाए क्योंकि उगा है तो डूबेगा ना. सो व्हेन वी टॉक अबाउट फ्यूचर फैक्ट, ओके, जैसे टुडे इज फॉगी, इट्स फॉगी टुडे, सो ट्रेन लेट आई, ट्रेन विल कम लेट. सो बाय दैट वे यू कैन डिफरेंशिएट बिटवीन विल एंड गोइंग टू. और जब हम बोले कि एक्सप्रेस अ फ्यूचर फैक्ट, तब हम किसकी बात करेंगे, विल की. और गोइंग टू का कैसे यूज होगा कि expressing something that is about to happen. देखिए about to happen का मीनिंग हुआ कि होने वाला है, परंतु ये जरूरी नहीं है कि ये हो जाए. ओके, यू कैन सी द एग्जांपल दैट सिट केयरफुली, द फ्लाइट इज अबाउट टू फ्लाई. ओके, व्हाट आई एम सेइंग इज सिट केयरफुली, द फ्लाइट इज गोइंग टू फ्लाई. ओके, आराम से बैठिए, केयरफुली बैठिए, क्योंकि फ्लाइट क्या होने वाली है, अब उड़ने वाली. सो इन दैट कंडीशन व्हाट यू विल यूज हियर, गोइंग टू. यहां पर हम विल का यूज करेंगे क्या, नहीं. सो इन दिस कंडीशन व्हाट आई कैन से दैट कि यदि हमें इमीडिएट डिसीजन की बात करनी है तो हम विल का यूज करेंगे, हमें प्रियर प्लान्स की बात करनी हो हम गोइंग टू का यूज करेंगे, हमें प्रिडिक्शन विदाउट इमीडिएट्स की बात करनी है तो हम विल का यूज करेंगे, यदि हमें प्रिडिक्शन विद इमीडिएट्स की बात करनी है तो हम गोइंग टू का यूज करेंगे. एक्सप्रेस अ फैक्ट फॉर फ्यूचर, अगर फ्यूचर के लिए किसी फैक्ट की बात करनी है तो हम विल का यूज करेंगे. और यदि हम अबाउट टू वाली एक्शन जो होने वाली है की बात करें तो हम किसका यूज करेंगे, गोइंग टू. होप सो माय बडीज, आज हमने फोर कॉन्सेप्ट की बात की और इन फोर कॉन्सेप्ट को आपने नोट किया होगा, आपने अंडरस्टैंड किया होगा और आपको आज क्लैरिटी हो गई होगी इस वीडियो के माध्यम से कि हम गोइंग टू का यूज कहाँ करेंगे, हम गोइंग ऑन का यूज कहाँ करेंगे, हम रनिंग का यूज अपनी डे टू डे स्पोकन में किस तरह से करेंगे, और विल और गोइंग टू में हम कंफ्यूज नहीं होंगे. और यदि किसी को कंफ्यूजन है तो हम उसके कंफ्यूजन को विद दीज एग्जांपल्स वी कैन रिमूव. होप सो आपको यह वीडियो पसंद आया होगा. यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना तो आप बिल्कुल नहीं भूलोगे. अगर आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है इस चैनल को, तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए. यदि आपको ऐसा लगता है कि ये वीडियो आपके फ्रेंड्स के, आपके किसी क्लोज वन के डाउट्स क्लियर कर सकता है तो फटाफट आप इसको शेयर कर दीजिए. और यदि आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो सो आपको बेल आइकॉन दबाना है, क्योंकि हम एवरी डे किसी नए कॉन्सेप्ट के साथ में आएंगे, आपके किसी नए डाउट को क्लियर करेंगे, या तो हम आपकी मदद करेंगे जिससे आप अपने कम्युनिकेशन स्किल को, आप अपनी इंग्लिश लैंग्वेज को डेवलप कर सको. तो अगले वीडियो तक के लिए गुड बाय, बाय बाय.